हम किसानों को फसल सींचने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? यह समस्या केवल मेरे सामने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने आएगी। इसके प्रभावी निराकरण के लिए हमें अभी से सोच विचार कर ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मैं गृहिणी चाहती हूँ गंगा स्नान करना, लेकिन क्या गंगा का पानी स्नान लायक भी बचा है? जो गंगा जल अमृत तुल्य था, आज वही मनुष्य की घोर लापरवाही के कारण स्नान योग्य भी नहीं रहा। आचमन की तो बात ही दूर है। पाप निवारणी गंगा दुनिया के मैल धोती धोती स्वयं मैली हो गई है। क्या हम मनुष्य यूं ही इस देव नदी को दूषित करते रहेंगे? क्या हमारा इसके प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? गंगा जो स्वर्ग से अवतरित हुई थी धरा पर जन कल्याण के लिए, आज उसका ही घोर अपमान किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। पानी पानी पानी, सारी पानी की है कहानी। मैं हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट, कर सकती हूँ उत्पादन और बढ़ा सकती हूँ देश की संपदा, परंतु आज मुझ पर इतने प्रतिबंध है। प्रदूषण 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 का नारा मुझको ही सुनने को मिल रहा है। अगर कल कारखानों में उत्पादन नहीं होगा तो इस विशाल जनसंख्या की आवश्यकताएं कहां से पूरी करोगे? और इस विशाल उत्पादन के दौरान जो वेस्ट है, मुझे उसको कहीं ना कहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। परंतु प्रदूषण संरक्षण का नारा, ना मैं उस वेस्ट को जलाऊं, ना मैं उस वेस्ट को बहाऊं, ना मैं उसको दफनाऊं, तो आखिर क्या करूं मैं उस वेस्ट का? मैं भी अपनी गंगा मैया को पवित्र करना चाहती हूँ, उसे स्वच्छ बनाना चाहती हूँ, परंतु मेरी इस चाहत को कोई राहत तो दिलाए। क्या ये किसान और ये गृहिणी मेरी समस्या सुलझा सकते हैं? अरे नहीं, अरे नहीं, इस प्रदूषण को हमें दूर करना है। हमें अपनी गंगा को फिर से पवित्र करना है। भूल हुई जो हमसे, उसे अब सुधारना है। अपनी गंगा माँ को इस प्रदूषण से बचाना है, इसे फिर से निर्मल बनाना है, इसे फिर से स्वच्छ बनाना है।